आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूज चे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशन साठी बेल आयकॉन वर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगडी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत. नजर सबसे पहले सुर्खियों पर. आतंकवादियों से सोशल मीडिया के उपयोग को रोकने के लिए भारत की पहल. जम्मू कश्मीर में जल विद्युत संयंत्र में पहाड़ गिरने से 4 की मृत्यु. काला दिवस की साइकिल यात्रा में शामिल होने की अपील. विधायक अभय पाटिल ने शुरू किए विभिन्न विकास कार्य. प्रांताधिकारी रविंद्र कर्लिंग नावर का तबादला. बीजगरणी में शिवज्योति आगमन का समारोह संपन्न. Admissions open 2022 and 23. VG Institute of Physiotherapy, affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Government of Karnataka. Bachelor of Physiotherapy, BPT. Eligibility: 12th or PUC second year science. Duration: 4 years 6 months. And also installment facility available. Great job opportunities in India and abroad. Contact Dr. Prakash G. Patil, MBBS, Director of Vijaya Hospital, Ayodhya Nagar, Belagavi. Mobile number 9035511239, 8310240603, 8088415916 and 8088415917. लक्षदीप है उजळले घडी, दारी शोभली कडा रांगोळी, फुलवाती अंगणात सोन सकाळी. आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी, आली दिवाळी. अब समाचार विस्तार से. भारत ने शनिवार को नई तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की यहां हुई बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा. शुक्रवार को मुंबई में हुई 2 दिवसीय CTC बैठक के पहले सत्र के बाद दूसरे दिन शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. इस अवसर पर बोलते हुए जयशंकर ने कहा कि एनक्रिप्टेड संदेशों, क्रिप्टो मुद्राओं जैसी चीज़ों का शोषण किया जा रहा है. सोशल मीडिया आतंकवादी समूहों के लिए अपने विचारों को व्यक्त करने का एक प्रभावी साधन बनता जा रहा है. यह उनके समान विचारधारा वाले समूहों या लोन वुल्फ हमलावरों को अधिक उपकरण देता है. पाकिस्तान की ओर से इशारा करते हुए उन्होंने कहा, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों ने उन देशों के लिए चेतावनी के रूप में काम किया है जो आतंकवाद को एक राज्य प्रायोजित कार्यक्रम मानते हैं. भारत लड़ने के लिए दृढ़ है. ये कहते हुए विदेश मंत्री ने इस समय संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $5,00,000 दान देने की घोषणा की. इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का एक पूर्व रिकॉर्डेड संदेश पढ़ा गया. उन्नत तकनीक में मानव जीवन को बढ़ाने की क्षमता है, लेकिन साथ ही कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसका दुरुपयोग किए जाने की भी संभावना बढ़ गई है, ऐसा उन्होंने कहा. जम्मू कश्मीर में जल विद्युत संयंत्र में पहाड़ गिरने से 4 की मृत्यु. जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट रेटल पर पहाड़ गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए. यह हादसा उस समय हुआ जब चिनाब नदी पर पनबिजली परियोजना काम के दौरान अचानक गिर गई. जल विद्युत परियोजना में बचाव कार्य पूरा कर लिया गया है. इस क्षेत्र में 4 शव मिले हैं, 6 घायल लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है, किश्तवाड़ के उपायुक्त देवांश यादव ने बताया. इस बीच बचाव कार्य के लिए भेजे गए 6 लोगों की टीम मलबे में दब गई. केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा, रेटल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर एक प्रस्तावित परियोजना है. नवंबर 2018 में इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 5,200 करोड़ रुपए थी. इस प्रोजेक्ट के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का ठेका 18 सितम्बर को दिया गया है. काला दिवस की साइकिल यात्रा में शामिल होने की अपील. भाषावार क्षेत्रीयकरण 1 नवंबर 1956 को लागू हुआ. तत्कालीन मुंबई प्रांत के बेलगाम और कारवार जिलों के साथ साथ हैदराबाद राज्य के बीदर में मराठी भाषी लोगों के एक बड़े क्षेत्र को कन्नड़ भाषी राज्य में मिला दिया गया था. तब से केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैकआउट देखा गया है और पूरे सीमा क्षेत्र के मराठी भाषी लोग महाराष्ट्र में शामिल होने का दृढ़ संकल्प व्यक्त करते हैं. मराठी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के लिए सभी मराठी भाषी मंगलवार 1 नवंबर 2022 को इस चक्र में
बड़ी संख्या में भाग ले। अपने अपने संभाग के युवा मंडल एवं महिला मंडल नागरिक इस साइकिल फेरी में भाग लेने का प्रयास करें। फेरी के बाद मराठा मंदिर खानापुर रोड बेलगा में सभा का आयोजन किया है। केंद्रीय महाराष्ट्र एकीकरण समिति की ओर से पूरे कार्यक्रम को बेहद गंभीरता और शांतिपूर्वक संपन्न कराने की अपील की जा रही है। यह अपील अध्यक्ष दीपक दलवी, कार्यकारी अध्यक्ष मनोहर किनेकर, महासचिव मालोजी अष्टेकर, कोषाध्यक्ष प्रकाश मरगाले समेत तमाम पदाधिकारियों ने की है। विधायक अभय पाटिल ने शुरू किए विभिन्न विकास कार्य। बेलगाम दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र में रविवार को विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। ये विकास कार्य पिछले कई दिनों से नागरिकों द्वारा की गई मांगों को देखते हुए किए गए हैं। विधायक अभय पाटिल ने रविवार को साइकिल यात्रा के दौरान नागरिकों से बातचीत की और उनकी अपेक्षाओं पर विचार किया। इसके बाद इन कार्यों को हाथ में लिया गया है। इसमें श्रृंगेरी कॉलोनी स्थित टीचर्स कॉलोनी में सीवर निर्माण का कार्य किया गया है। इसी तरह गायत्री नगर, अम्बेडकर नगर, ओल्ड बेलगाम, कुलकर्णी गली, मलप्रभा नगर में रविवार से विभिन्न कार्य शुरू हो गए हैं। इसी तरह शाहपुर के जेड गली में ड्रेनेज लाइन, पेवर्स रोड निर्माण को भी बढ़ावा दिया गया। मुचंडीमाला शाहपुर, बोलमल बोल और नार्वेकर गली में काम शुरू किया गया है। इन कार्यों के शुरू होने से नागरिकों को राहत मिली है। उन्होंने विधायक अभय पाटिल को बधाई दी है। प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगनावर का तबादला। प्रांताधिकारी रविंद्र करलिंगनावर का जल्दबाजी में तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह बलराम सवान को नया प्रांताधिकारी बनाया गया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। तदनुसार प्रांतीय मैजिस्ट्रेट कार्यालय और तालुका तहसीलदार के कर्मचारियों द्वारा करलिंगनावर को विदाई दी गई। नए प्रांतीय अधिकारी बलराम सवान का भी स्वागत किया गया। इस दौरान तहसीलदार आर के कुलकर्णी, खानापुर तहसीलदार प्रवीण जैन, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रभु यत्नट्टी, ग्रेड दो के तहसीलदार अशोक मनिकेरे सहित प्रतिनिधि कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। बीजगरणी में शिवज्योति आगमन का समारोह संपन्न। रविवार को बीजगरणी गांव में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज मूर्ति स्थापना के लिए शिवज्योत शोभायात्रा समारोह संपन्न हुआ। गांव के श्री छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर ज्योत पूजन, कलश पूजन और श्री शिवराय मूर्ति का पूजन किया गया। उसके बाद गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में गांव में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। विनय कदम कार्यक्रम में बतौर अतिथि शामिल हुए। उनके द्वारा ज्योत पूजन किया गया। कलश पूजन संदीप अष्टेकर और नरेंद्र जाधव ने किया। भाग्य विधाता सोसाइटी के अध्यक्ष यल्लप्पा मोटार और अनिता मोटार ने शिवमूर्ति की पूजा की। जुलूस की शुरुआत भाजपा कार्यकर्ता मंगेश मोरे और लक्ष्मी मोरे ने की। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होंगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 08312435777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कार्यकर्ताओं ने अवैध लाल पीले झंडे को लेकर क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इसलिए उनके खिलाफ मामले में शनिवार को जांच अधिकारियों की गवाही दर्ज की गई।
2016 में क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय के सामने अवैध लाल किले झंडे के खिलाफ मई समिति के कार्यकर्ता सूरज कनबरकर, अजित कोकने, मनोज पावशे, सुधीर कालकुंद्रीकर, नारायण किटपाडकर और सतीश गावडोजी ने धर्मवीर संभाजी महाराज चौक पर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। मार्केट पुलिस ने इस मामले में उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस सुनवाई में जांच अधिकारियों की गवाही दर्ज की गई। एडवोकेट नागेश सातेरी का अमृत महोत्सव 25 दिसंबर को होगा। बेलगाम के ज्येष्ठ अधिवक्ता नागेश सातेरी का अमृत महोत्सव 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। इसके लिए हाल ही में एक तैयारी बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई अशोक देशपांडे ने की। इस अमृत महोत्सव के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए अमृत महोत्सव सत्कार समिति का गठन किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य आनंद मेंढसे ने परिचय दिया। इस समय एडवोकेट अमर येल्लूरकर, अधिवक्ता सुधीर चव्हाण, अधिवक्ता सतीश बांदिवाडेकर, मोहन कारेकर, जीवी कुलकर्णी, अनिल आसगावकर ने अपने विचार प्रस्तुत किए। चर्चा में मधु पाटील, भरत गावडे, चंद्रशेखर गायकवाड, श्रीकांत कडोलकर, शेखर पाटील, सुहास होद्दार, सदानंद कामत, अनंत कानविंदे ने हिस्सा लिया। कृष्णा शापूरकर ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। आईएमईआर संस्थान के एमबीए छात्रों का अध्ययन दौरा। एमबीए छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर के गुजरात उद्योग दौरे का आयोजन किया। केएलएस संस्था के आईएमईआर के छात्रों ने इस दौरे में भाग लिया। एमबीए द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए गुजरात राज्य में एक राष्ट्रीय स्तर का उद्योग दौरा आयोजित किया गया था। छात्रों और शिक्षकों ने सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ का दौरा किया, उत्पादों और निर्माण प्रक्रिया के बारे में सीखा। अहमदाबाद में अटल फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। पर्यटन उद्योग के बारे में जानकारी दी गई। विभिन्न विरासत स्थलों का भ्रमण किया। डॉक्टर शैलजा हिरेमठ और प्रोफेसर श्रीकांत नाइक ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर राहुल मेल, प्रोफेसर सुमंत देसाई मौजूद रहे। मराठा लाइट इन्फंट्री द्वारा मनाए गए शरकत दिवस। 104वां शरकत दिवस 29 तारीख को मराठा लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर में मनाया गया। 114 मराठा बटालियन के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल शरकत दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर विशेष सैन्य बैठक हुई, जिसमें मराठा लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर के सभी सेवारत अधिकारियों, कनिष्ठ अधिकारियों, अन्य रैंकों और नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने भाग लिया और उसके बाद युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया गया। मराठा लाइट इन्फंट्री रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जयदीप मुखर्जी ने इस शुभ अवसर पर रेजिमेंट के बहादुर दिलों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माल्यार्पण किया, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया और सभी रैंकों से रेजिमेंट को गौरव लाने के लिए खुद को समर्पित करने का आह्वान किया। बेंगलुरु के लिए फ्लाइट्स को प्राथमिकता। रविवार 30 दिसंबर से एयरलाइंस द्वारा विंटर सीजन शेड्यूल लागू किया जाएगा। इस नए शेड्यूल के मुताबिक बेंगलुरु के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवाएं शुरू की जाएंगी। दिल्ली के लिए हफ्ते में सिर्फ 3 दिन की सर्विस दी जाएगी। बेलगाम बेंगलुरु विस्तारित उड़ान सेवा इंडिगो कंपनी द्वारा शीतकालीन कार्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी। इसलिए विमान दिन में 3 बार बेंगलुरु के लिए उड़ान भरने वाले हैं। प्रतिदिन एक फ्लाइट हैदराबाद के लिए रवाना होगी। स्पाइस जेट अब मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दिल्ली के लिए उड़ानें संचालित करेगी। अलायंस एयर ने पुणे के लिए उड़ानें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी है। टू जेट ने सभी रूटों पर टू सर्विस बंद कर दी है। स्टार एयर मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को मुंबई के लिए उड़ानें संचालित करेगी। अनमोड़ चेक पोस्ट पर 2 लाख की शराब जब्त। अनमोड़ चेक पोस्ट पर गोवा से आ रही एक कार से 1,85,000 रुपये की गोवा निर्मित शराब जब्त की गई। चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। शनिवार दोपहर 1 बजे के बीच गोवा से कार से शराब की ढुलाई की जा रही थी। अनमोड़ चेक पोस्ट पर आबकारी अधिकारियों ने चेक किया तो 1,85,000 रुपये की शराब और वाहन जब्त किए। चालक वैभव यादव को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।